सो आज का पूरा मेरा आउटफिट वाइट है क्योंकि बारात है। सो मैंने अपने बच्चों के साथ कुछ कॉन्सेप्ट करा है मिलके ट्विनिंग एकदम वाइट में। और इसकी देखिए मैंने ये चूड़ियाँ ली हैं, मैंने आपको दिखाई नहीं थी, मैंने कहा था एक ही बार दिखाऊंगी तैयार होकर। चूड़ियाँ हैं, अब दूसरे हाथ में भी पहन लूँ। और प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ, कैसी नहीं लग रही हूँ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वाइट जो मैंने पहना है वो सही करा कि नहीं। सो फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ और बस मेरे हेयर नहीं हुए हैं। मैंने फिर से निकी को बुलाया है अपने हेयर करवाने के लिए। मैं चाहती हूँ कि अच्छा से एक बन मुझे बना दे एंड क्योंकि मेरा अटायर फुल वाइट है एंड आई रियली वांटेड सम कलर ऑन इट। सो अटायर में नहीं तो मैंने सोचा बन में मैं रोजेस से मैं उसको कुछ तो मैंने उसको निकी को बोला वो उसके ऊपर मैं वो किस तरीके से बनाएगी लेकिन मैं ज़रूर दिखा दूँगी। तो बस हम लोग यहाँ रेडी हो चुके थे और अभी हम लोग डायरेक्ट हॉल नहीं जा रहे थे, हम लोग जा रहे थे गुड्डू मामों के घर में। वहाँ कुछ रस्में हमारे यहाँ होती हैं जैसे बहनोई लोग दूल्हा बंदाई दूल्हा बनाते हैं और उस पर नेक दिया जाए, बहनें नेक देती हैं भाइयों को। सो खैर हम लोग को इतनी देर हो गई थी कि दूल्हा तो वो बन ही गया होगा ऑलमोस्ट, तो चलिए नेक तो देना मस्ट है, तो चलिए पहले वहाँ चलते हैं। पहुंच गए हैं और देखिए माशाल्लाह से दूल्हा बन चुका है और माशाल्लाह अल्लाह पाक हर बुरी नज़र से बचाए मेरे भाई को। और यहाँ पर अम्मी के साथ और फसी के साथ फोटो क्लिक कर रहे थे और माशाल्लाह से मेरा फसी खुद एक दूल्हा लग रहा था माशाल्लाह से। रस्में यहाँ सब कर चुके थे, सिर्फ हम लोग थे तो हम लोगों ने नेक दे के फौरन काफ़ी देर हो चुकी थी, बारात अभी तक नहीं निकली थी तो इसी वजह से सबने जल्दी जल्दी करा। और ये देखिए माशाल्लाह दूल्हे की भाभी बड़ी भाभी बैठी हुई वाइट लहंगा पहने माशाल्लाह फरजाना कितनी प्यारी लग रही थी। उपटन के ब्लॉग में आपने देखा होगा ना मैं एक बेबच्ची को ली हुई थी, वो इसी की बेटी है, ये यूसुफ की वाइफ है जैनब।
और यहाँ देखिए माशाल्लाह दूल्हा बैठा हुआ है अपनी गाड़ी में और इतना अच्छा लग रहा था। अल्लाह पाक हर बुरी नज़र से इसको महफूज रखे। और पीछे गजाला मामी बैठी हुई हैं। सो बस सब रेडी हैं, गाड़ियों में बैठ चुके हैं और बारात अब बस निकलने वाली है। सारी गाड़ियों में सारे बराती बैठे हुए हैं। चलिए आप लोग को दिखाते हैं कौन कौन है। यहाँ पर हर गाड़ियों के सामने अनार रख दिया गया था ताकि वो जैसी गाड़ियाँ चले तो वो अनार जले। और माशाल्लाह से इतना खूबसूरत लग रहा था। सुबह सब हम लोग पहुंच गए थे वेन्यू पे और हम लोग सब गाड़ियों में दो दो स्पार्कल गन दे दी गई थी ताकि जैसी एंट्री होगी तो हम लोग सब स्टार्ट कर देंगे उसको। बारात का व्लॉग ही बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। सुबह मैं व्लॉग को यही एंड करती हूँ। इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगी। ये पार्ट वन है बारात का, पार्ट टू इसके बाद आ जाएगा। सो बस ये था आज का व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। प्लीज न्यू सब्सक्राइबर्स बिना सब्सक्राइब करे मत जाइएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स भी शेयर करेगा। अल्लाह हाफिज़। कल फिर मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ।